हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए पनीर पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ और साथ ही साथ इसका बनाने का एक यूनिक तरीका भी लेकर के आई हूँ। तो चलते हैं। इसके लिए मैंने पनीर को मैश कर दिया है और इसमें मैंने एक बड़ा प्याज महीन महीन मैंने काट दिया था, अदरक मैंने चॉप डाला है, मैंने लहसुन चॉप डाला है और साथ ही साथ आपको इसमें थोड़ा सा हरी मिर्चा डाल देना है, आपको धनिया पाउडर डाल देना है, अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, थोड़ा सा चाट मसाला आपको डालना है, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालना है, थोड़ा सा जीरा पाउडर आपको इसमें डाल देना है। इन सबको डालने के बाद आपको अच्छे से इसको मैश कर लेना है और ताकि जो नमक है और सारे मसाले एक दूसरे में मिल सके। आप चाहें तो हाथ का यूज करते हुए भी आप इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें लास्ट में गरम मसाला ज़रा सा ऐड कर रही हूँ और अच्छे से इसको मैंने मिला लिया है। अब मैंने ऑलरेडी जो है आटा मैंने ऑलरेडी तैयार किया है हुआ है, तो आप इसको बनाने से पहले आटा को एक बार हल्का सा गूँथ लें और उसके बाद चलते हैं भरने के लिए। भरने के लिए मैंने जो लोई है उसको काट लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। आपको बनाने के लिए मैं एक विशेष टिप्स लेकर के आई हूँ, उससे जो पराठा है आपका जो लेयर है वो अपने आप ही खुल जाएंगे। तो इसके लिए आप चाहें तो इस तरीके का यूज आप कर सकते हैं। आप रोटी की तरह इसको बड़े रोटी की तरह बनाइए और चारों ओर से कट कर लीजिए। और इसमें जो पनीर है उसमें अच्छे से फिल कर सकते हैं। इसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए ताकि खुलने का डर ना रहे। और इसके ये लेयर अच्छे से खिल के आए इसलिए आप इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दें। ऑयल आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है इसमें। आप चाहें तो बीच में भी भर सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें स्पेस दिया हुआ है। इस तरह से इसको फोल्ड कर दें, अच्छे से दबा दें ताकि ये खुले नहीं। इस तरह से ये आपका लोई बिल्कुल तैयार है। अब इसको बेल लेते हैं। इसी तरह से मैं सारे जो पराठे हैं उसको ऐसे ही भर लूँगी और इस तरह से बनाने से आपके जो पराठे हैं काफ़ी भरे भरे बनते हैं। आप दूसरा तरीका भी बता रही हूँ, आप नॉर्मली पराठा इस तरह से आप बनाते हैं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको जो शेप है वो बिल्कुल गोल दे देना है। मैंने इसमें दो टाइप बनाए हैं, दो टाइप आप पनीर के पराठा किस तरह से बना सकते हैं उसकी रेसिपी शेयर की है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह का यूज करके आप एक पराठे का यूज बना सकते हैं और जो काफ़ी स्वादिष्ट भी बनता है, बहुत कम टाइम में बनता है। अब मेरा तावा जो है साथ में साथ गर्म हो चुका है और इसमें मैं जो पराठा है वो डाल दूँगी। याद रखिए आपका तावा गर्म होना चाहिए, नहीं तो ये पराठा अच्छे से चिपक जाएगा। और मैंने जो है आप बटर का यूज़ कर सकते हैं या घी का यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो है रिफाइंड ऑयल, आप देख सकते हैं कि अपने आप जो पराठा का लेयर हो खुल गया है। इस तरह से जो आपका पराठा है वो बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से मैं सारे जो पराठे हैं उनको मैं सेक लूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए। इस तरह से मैंने सारे अपने पराठे जो मैंने सेक लिए हैं। और फीडबैक देना अगर आप बनाएं तो आप बताना जरूर ना भूलें कि ये पराठा कैसे बनाए। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे पकते पकते इसके से जो लेयर हैं अपने आप खुलते जाते हैं और ये काफ़ी भरा हुआ भी बनता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग किस तरह से आप पनीर पराठा बनाना चाहते हैं तो आप दोनों हिसाब से ट्राई कर सकते हैं।
ये देखिए इसमें अपने आप लेयर जो है ये खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। एक बार और, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसको आप सॉस, इमली की चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं।